वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाइव स्टडी चैनल पर। गुड इवनिंग आप सभी के लिए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज का ये सेशन काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन करेंगे जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप सभी लोग इस क्लास को कम्प्लीट पूरा देखना। तो सबसे पहले तो एक बार शेयर कर दो, है ना, ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन हो सकें। और आज का क्लास नंबर 29 है, इससे पहले के 28 क्लास फरवरी एग्जाम के लिए करा चुके हैं, तो वो सभी क्लास आप बारी बारी से देख लेना अगर ना देखे हो अभी तक, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्न में किसको कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है ताकि यह एग्जीक्यूट हो सके, ठीक है। कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में किसको परिवर्तित करता है ताकि यह एग्जीक्यूट हो सके। अब ऑप्शन में दिया है हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी में दिया है लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी में दिया है असेंबली लैंग्वेज और ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ दीज। अब क्या होगा आपका राइट आंसर। कोशिश करना कि आज भी 20 में 20 क्वेश्चन आप सही करें, है ना। तो आपका प्रयास होना चाहिए कि आज आपका स्कोर 20 में 20 होना चाहिए। तो देखो यहां पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका हाई लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा, किसमें करेगा, मशीन लैंग्वेज में करेगा, ठीक है। किसमें करेगा, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। और असेंबलर क्या करता है, तो असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना किसका काम होता है, असेंबलर का काम होता है, ठीक है। तो यहां पर पूछा है आपसे कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है, किसको करता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है, ओके। और ऑब्जेक्ट कोड होता क्या है, तो जो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के बाद में जो कोड होता है उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। और हाई लेवल में जो होता है उसे कहते हैं सोर्स कोड, ध्यान रखना है, क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। और जब इसको ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज में तब उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो अगर आपसे पूछा है कि ऑब्जेक्ट कोड कौन बनाता है, तो कंपाइलर बनाता है ये हाई लेवल को ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में, है ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या पूछा है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में निम्न में से कौन सा सिंबल प्रयुक्त होता है। तो हेक्साडेसिमल की बात की गई है, कौन सा सिंबल इसमें प्रयुक्त होता है, सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0 से 9 और ए से एफ तक के इसमें सिंबल प्रयुक्त होते हैं। ध्यान रखना है हेक्साडेसिमल नंबर की अगर बात की जाए तो 0 से 9 और ए से एफ तक के सिंबल होते हैं। और कई बार पूछेंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर का आधार क्या होता है, तो आधार कितना होता है, आधार होता है 16, ठीक है। इसका जो आधार होता है, जो बेस होता है, वो कितना होता है, 16 का होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ओके। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं है। सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आगे आने वाले सीरीज में सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे जो आप सभी के लिए ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो सभी लोग रेगुलर क्लास करो और मॉर्निंग में भी जो क्लास होती है तो उनको भी आप लोग डेली देखा करो। यहां पर पूछा है डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं है, क्या नहीं शामिल है, ऑप्शन में दिया है नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, चेक पेमेंट या नन ऑफ दीज। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चेक पेमेंट शामिल नहीं है, है ना। डिजिटल भुगतान की बात की गई है और डिजिटल भुगतान में नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट तो शामिल है लेकिन चेक का पेमेंट शामिल नहीं है, मानी चेक से पेमेंट शामिल नहीं है, ये डिजिटल भुगतान नहीं कहा जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, दो प्रकार की मेन मेमोरी है, कौन कौन सी है, ऑप्शन फर्स्ट में दिया है प्राइमरी और सेकेंडरी, ऑप्शन बी में दिया है रैंडम सिक्वेंशियल, ऑप्शन सी में दिया है रोम और रैम, ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। पूछा है दो प्रकार की मैन मेमोरी कौन सी है, तो यहां पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर मैन मेमोरी की बात करें, है ना, तो मैन मेमोरी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक तो हमारी क्या होती है, रैम होती है और एक क्या होती है, रोम होती है, है ना। तो मैन मेमोरी जो आपकी है कंप्यूटर की, दो प्रकार की है, मुख्य रूप से देखा जाए तो रैम और रोम। रैम को क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या क्या बोलते हैं, रीड ओनली बोलते हैं, है ना, रीड ओनली मेमोरी इसको बोला जाता है, तो इसे भी ध्यान रखना। और अगर रैम की बात करें तो रैम में क्या होता है, एक तो आपका एस रैम होता है,
ठीक है, और एक आपका डी रैम होता है। यस रैम मीन्स स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम मीन्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें वी रैम, है ना, ये भी ध्यान रखना है। तो वी रैम क्या होता है, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसे भी आप ध्यान रखें। ठीक है, और अगर रोम की बात करें तो रोम में क्या होता है, एक तो आपका पी रोम होता है जिसे कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एक होता है आपका ई पी रोम जिसे क्या कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एक होता है ई पी रोम इसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। तो ध्यान रखना है मेन मेमोरी आपकी दो होती है, दो प्रकार की, एक रैम होता है और एक रोम होता है। रैम को और क्या कहते हैं, इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, इसे भी आप समझ लें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। निम्न में से वोलेटाइल मेमोरी किसे कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपके सामने। तो रैम होता है वोलेटाइल मेमोरी, और रोम क्या होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है आपका रोम, है ना। रैम में डेटा जो आपका होता है वो टेम्परेरी होता है, कुछ ही समय के लिए डेटा आपका सेव रहता है रैम के अंदर, और रोम के अंदर डेटा आपका परमानेंट रहता है। ठीक है, इसमें रखा डेटा को केवल आप रीड ही कर सकते हैं, यानी कि रोम में लिखा हुआ डेटा केवल आप पढ़ सकते हैं, है ना, और इसमें रीड एंड राइट दोनों कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और पूछा गया है ओडीएफ का पूरा नाम बता दीजिए क्या होता है। तो जल्दी से सभी लोग आंसर भेजो, एक बार शेयर करो, सभी लोग एक बार शेयर करो, जितने भी देख रहे हैं सभी लोग आप लोग शेयर करो, और लाइक सभी लोग कर देना भाई ध्यान से। ठीक है, तो लाइक शेयर जरूर किया करो आप लोग। ओडीएफ का पूरा नाम बता दीजिए क्या होगा। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है ओडीएफ का पूरा नाम, समझ चुके हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पूछा है प्राप्तकर्ता की ओर वास्तविक डिलीवरी से पहले डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर मर्ज होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं पैकिंग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी कि सी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन आ गया है सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीआरटी का पूरा नाम पूछा है आपसे। तो यहां पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब। ध्यान रखना है डिफरेंस क्या, देखो पहले ऑप्शन में दिया था कैथोडिक रे ट्यूब, है ना, और यहां पे कैथोड रे ट्यूब, यहां पर कैथोड रे ट्यूब। तो ट्यूब का ई समझ लो आप ध्यान से, यहां पे देखो ई नहीं दिया है, ये ई वाला सही होगा आपका, कैथोड रे ट्यूब होता है, इसे आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, एक एमबी बराबर है, अब एक एमबी ठीक है किसके बराबर है। तो यहां पर आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1024, 1024 केबी के बराबर है एक एमबी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बीआईटी बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, बिट का फुल फॉर्म पूछा है, ध्यान पूर्वक आप लोग आंसर करें, क्वेश्चन को केयरफुल पढ़ें उसके बाद अपना आंसर करें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो आंसर जरूर आप दे पाएंगे, तो ये सावधानी जरूर रखें अपने एग्जाम देते समय, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है समझना है, उसके बाद ही जवाब करना है। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी डिजिट, बिट का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, बाइनरी डिजिट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, आईपी एड्रेस या फिर ब्राउजर का, तो इसमें से होगा कौन सा आपका राइट आंसर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक प्रकार का ब्राउजर है, क्या क्या है, वेब ब्राउजर, इसे आप वेब ब्राउजर भी कह सकते हैं। ठीक है, ब्राउजर, यानी कि यहां पर ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट है, अब बताना है आपको इंटरनेट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क है या फिर आईएसपी नेटवर्क है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पब्लिक नेटवर्क है। ठीक है, ध्यान रखना है पब्लिक नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्न में स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। अब इसमें से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है स्टोरेज की, जीबी, केबी, एमबी या फिर टीबी। तो यहां पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीबी। यहां पर सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, टीबी मीन्स टेराबाइट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, आईआईओटी क्या है, अब आपको बताना है आईआईओटी का पूरा नाम।
तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा आपका आईआईओटी का फुल फॉर्म। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, और अगर आ जाए आईआईओटी क्या होता है, तो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए प्रेस करेंगे। जब आप इम्प्रेस में स्लाइड शो कर रहे होते हैं, है ना, आपने स्लाइड को शो करा दिया, और अगर आप लास्ट स्लाइड पर जाना चाहते हैं, तब उसके लिए क्या शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको एंड की प्रेस करना है। ठीक है, जैसे आप एंड की प्रेस करेंगे तो लास्ट स्लाइड पर आप पहुंच जाएंगे इम्प्रेस में, या फिर अगर आप पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट में भी यही होगा, अगर आपको लास्ट स्लाइड पर जाना है तो एंड की को प्रेस करना होगा स्लाइड शो के दौरान। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, चुने हुए सेल को मर्ज करने के लिए कैल्क एवं एक्सेल में डैश बटन पर क्लिक करें। बताइए अब होगा कौन सा राइट आंसर आपका यहां पे? चुने हुए सेल को, कुछ सेल को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, अब उसको मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए कैल्क में या फिर एक्सेल में डैश बटन पर क्लिक करें। किस बटन पर क्लिक करना होगा? सेंटर पर करना होगा, स्प्लिट होगा, स्प्लिट मर्ज होगा, या मर्ज एंड सेंटर होगा? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपको मर्ज एंड सेंटर पर क्या होगा? क्लिक करना होगा, है ना, कुछ सेल को पहले आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना होगा, तभी आपकी सेल मर्ज होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर क्या हुआ कि यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे कुछ सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज कर दिया गया है ना। तो मर्ज का मतलब क्या होता है, जो ये सेल आप देख रहे हैं यहां पर, जो सेल्स हैं यहां पे, इनको आपस में मिला दिया जाता है। तो आपको पहले क्या करना है, इनको करना है सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद में आपको मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे यहां पे क्लिक कर देते हैं तो ये सेल आपकी मर्ज हो जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, कैल्क में इस फॉर्मूले इक्वल 22+2, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई 7 से करना है, के प्रयोग का क्या परिणाम होगा? तो अगर आप कैल्क में ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसका रिजल्ट आपको क्या मिलता है? 31 या फिर आपको 114 या फिर 32 या फिर 168, इसमें से क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? चलो, अब एक्सेल में आपने अगर ये फॉर्मूला लगाया तो आपका जवाब यहां पर क्या होगा? तो ध्यान रखना, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 168। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या करेगा, जो आपने ब्रैकेट लगाया हुआ है, जो बच्चे मैथमेटिक पढ़ते हैं तो समझ चुके हैं सभी लोग, तो पहले क्या करेगा, इस ब्रैकेट को हल करेगा, 22 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 168 ही आ जाएगा, है ना। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लिया कि ये एक्सेल में ये फॉर्मूला आपको ऐसा आ जाए कि भाई आपने 22 लिखा है ना और 7 ये आ गया, अब इसका जवाब क्या होगा? अगर ऐसा लिखा होगा तब आपका जवाब क्या होगा, क्या आ गया आंसर आपका? 22+7, ठीक है, और मल्टीप्लाई 7, तो यहां पर आपका जवाब आप क्या होने वाला है? ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए भी मैंने दिया 36, ठीक है, और यहां पर 42, और यहां पर, चलो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, 22+7 और मल्टीप्लाई 7, तो यहां पर आपका, सॉरी यहां पर 2 है, 7 तो नहीं है, 2 है यहां पर, ओके, तो इसे ध्यान रखना, यहां पर 2 है आपका, इक्वल 22+2, ओके, ये आपका है, अब आपको आंसर करना है। चलो, तो देखो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहां पर ये 36 हो जाएगा। इसमें क्या करेगा, इसमें पहले 7 और 2 को आपस में गुणा करेगा, यानी कि 22+7 और 2 की अगर आप गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 14 आएगा, यानी कि 14, और यहां पर इसको अगर आप जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना, तो 36 इसका जवाब होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और अब आपसे पूछा है कि कौन सा फंक्शन किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग के केस को प्रभावित नहीं करेगा। केस मतलब यहां पर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की बात हो रही है, इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है,
कौन सा फंक्शन किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग के केस को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट जवाब क्या होगा? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका, लेन। ये जो लेन का फंक्शन है यह किसी केस को प्रभावित नहीं करेगा। बाकी की अगर बात करें हम अपर केस, अपर की बात करें तो अपर क्या करे, अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है ना, अगर आपने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो अपर का फॉर्मूला क्या कर देगा, सबको कैपिटल कर देगा। क्या कर देगा? सभी को कैपिटल कर देगा, ठीक है। और अगर प्रॉपर की बात करें तो प्रॉपर मतलब जैसे लिखा जाता है सेंटेंस के, इसमें पहला जो लेटर होगा आपका वो कैपिटल रहेगा, बाकी के सभी क्या रहेंगे, स्मॉल रहेंगे। और लोअर में सारे लेटर आपके लोअर हो जाएंगे, अगर आपने कैपिटल में लिख रखा है तो सारे लेटर आपके लोअर केस में आ जाएंगे अगर लोअर लगाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, आपके करेक्टर के स्ट्रिंग के केस को प्रभावित कर रहे हैं, ये केस चेंज कर रहे हैं, मतलब कैपिटल से स्मॉल कर रहे हैं, स्मॉल से कैपिटल कर रहे हैं, केस चेंज कर रहे हैं। लेकिन लेन ये नहीं करेगा। लेन क्या करेगा, तो लेन काउंट करता है आपका, जैसे आपने लगाया इक्वल, उसके बाद लिखा आपने लेन ब्रैकेट में, अगर आपने यहां पर लिख दिया है सीसीसी, तो ये काउंट क्या करेगा, ये बता देगा कि यहां पर तीन अल्फाबेट हैं, तीन करेक्टर हैं, 1, 2 और 3। या फिर किसी सेल में आपने कोई भी टेक्स्ट लिख रखा है और उस सेल का एड्रेस यहां पर आपने डाल दिया, तो उस सेल में जो भी करेक्टर आपने लिखा होगा उसमें कितने करेक्टर हैं वो काउंट करके आपको निकाल के देगा लेन। यानी कि ये आपके केस को प्रभावित नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? इसमें से बताना है हार्डवेयर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। ऑप्शन में है स्कैनर, प्रिंटर, इंटरप्रेटर और माउस। तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटरप्रेटर आपका हार्डवेयर नहीं है, है ना। तो ध्यान रखना इंटरप्रेटर क्या है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। अभी आपको बताया था कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, इंटरप्रेटर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, तो ये हार्डवेयर नहीं है। बाकी स्कैनर की बात करें, प्रिंटर की बात करें, माउस की बात करें, तो सभी के सभी हार्डवेयर है। आपसे पूछा है कि हार्डवेयर कौन सा नहीं है, तो इंटरप्रेटर हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और पूछा गया है कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट लिब्रे ऑफिस से बाहर आने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब आपका यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है जो लिब्रे ऑफिस से बाहर आने के लिए प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल F4, कंट्रोल Q, कंट्रोल E, कंट्रोल W। तो यहां पर आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू जब आप प्रेस करेंगे तो लिब्रे ऑफिस से आप बाहर आ जाएंगे, यानी कि है ना, तो लिब्रे ऑफिस से अगर आपको बाहर आना है इसके लिए दबाना होगा कंट्रोल क्यू, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि आपको एक तत्काल ईमेल प्राप्त होता है जो ऐसा लगता है कि यह आपके बैंक से है तो यह हो सकता है, अब बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन में दिया है फायरवॉल, फिशिंग अटेम्प्ट, रिप्लाई टू ऑल या सिग्नेचर। आपको एक मैसेज प्राप्त होता है, एक ईमेल प्राप्त होता है या एक मैसेज आपके पास आता है, टेक्स्ट मैसेज आपके पास आता है और उसमें आपको ऐसा लगता है कि आपके बैंक से आया हुआ है या ऐसा लगता है कि आपके पेटीएम से आया हुआ है ना, तो ये क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है फिशिंग अटेम्प्ट, इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर आपका। कई बार आपने देखा होगा कि मैसेज आते रहते हैं और वो रियल में बैंक से मैसेज नहीं आते हैं, रियल में पेटीएम से मैसेज नहीं आते हैं, लेकिन आपके पास कई ऐसे मैसेज आते रहते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि वो बैंक की तरफ से मैसेज आया हुआ है या आपकी केवाईसी की जाने वाली है, जो भी चीजें आपको बताई जाती है वहां पर, बट वो रियल बैंक से नहीं होती है, है ना। तो ऐसी कंडीशन में उसको हम क्या बोलेंगे, वो रियल में तो बैंक से आया नहीं है लेकिन लग रहा है कि बैंक से ही मैसेज आया हुआ है, उसी को कहते हैं फिशिंग अटेम्प्ट, है ना। तो ये मेल भी हो सकता है आपके पास, टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है और ये बैंक से भी आ सकता है और भी कहीं से भी आपको मिल सकता है, जैसे कि पेटीएम हो गया आपका और बहुत सारे ऐसे हैं जहां से आपको ये मैसेज प्राप्त हो सकता है। तो बस समझना ये है कि इसको हम कहेंगे क्या, तो इसको कहेंगे फिशिंग अटेम्प्ट, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो भी साथी चैनल पर नए हों आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और अगली क्लास सुबह होगी 8:30 पर, तो सभी साथी क्लास में जुड़े सुबह मॉर्निंग में, और ये क्लास सुबह काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है,
तो ये सभी क्लास जो भी अब आगे आने वाले क्लासेज हैं वो सबके सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप ट्रिपल सी के लिए जो फरवरी एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए। तो आप सभी लोग लगातार ऐसे ही क्लास देखते रहो और शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, थैंक यू।